लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ जो बच्चे नाच रहे हैं, इनमें से कुछ बच्चे आंखों से लाचार हैं तो कुछ पैरों से लाचार हैं, लेकिन इनका उत्साह और जोश काबिले तारीफ है। ये अपने मन के खुशी के जरिए दुनिया को देखते हैं। इनके दुनिया का कोई रंग रूप नहीं, फिर भी इनके मन में एक अलग छवि है। इनका हर दिन चुनौतियों और संघर्षों से भरा है, पर यह हिम्मत नहीं हारते। ऐसे ही हालातों से मुकाबला करने वाले कुछ नौजवानों को दर्शाती है ये कहानी। गणेश और एंटोनी के प्रोग्राम के टिकट्स मिल गए। ये प्रीति ने कहा है कि वो आज क्लास नहीं आ रही है। पर वो आज क्लास क्यों नहीं आ रही है? वो डांस कंपटीशन के फाइनल में जा रही है। आज फाइनल? हाँ, हम भी चलेंगे। हम समीर, तुम्हारे भाई के डांस प्रोग्राम का मैं स्पॉन्सर हूँ। आइए। भैया, भैया, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। 6:59 and 30 seconds? मैंने 5 o'clock का अलार्म रखा था, किसने बदला? मैंने बदला। मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है, मेरे लिए डांस कितना इम्पोर्टेंट है तुम जानती हो? तुम्हारे लिए डांस जितना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा भैया उतना ही इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी देखभाल के लिए अपने माँ बाप नहीं है ना, सब कुछ तो मैं ही हूँ। टाइम हो गया है, रेडी हो जाओ, नाश्ता कर लो भैया। ओफो, टाइम नहीं है प्रिया। क्या कहा, टाइम नहीं है? तब तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सेंटिमेंटल ब्लैकमेल? ओनली सेंटिमेंट। बाहर स्पॉन्सर्स इंतजार कर रहे हैं, उनके बगैर इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकूंगा। बिल्कुल करोगे, मेरे भैया में बहुत टैलेंट है। टैलेंट से काम नहीं चलेगा, एंथनी जैसे उसे मुकाबला करना है तो पैसे चाहिए। सॉरी समीर, तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा। सॉरी, कोई बात नहीं गणेश, डांसर्स वेट कर रहे हैं, चलो। ओके, ऑल द बेस्ट भैया। प्रेस वाले हैं, जल्दी मिस्टर गणेश, आज फाइनल्स में कौन जीतेगा? डेफिनेटली मैं ही जीतूंगा। Get up. मुझे देखो, म्यूजिक।
इसे परफेक्शन कहते हैं। ये मेरे प्रेस्टिज का सवाल है। उस गणेश को मुझे हराना है। अगर किसी ने जरा से भी गलती की, इस डांस कंपटीशन के फाइनल में एंटोनी और गणेश के बीच मुकाबला होगा। So give them a big hand. Mit jedem Augenblick kommt die Zukunft etwas näher. Auch was morgen sein wird, ist schon bald Vergangenheit. What I say, jo bhi chaho nacho tum, let's get on the floor and say adios samba. Samba, samba. Do it is what I say, jo bhi chaho gao tum, let's begin the bang and say adios samba. Ekdam naya masti bhara main naach dikhau kya, haale se main sangeet ke sur taal milau kya. Ekdam naya masti bhara main naach dikhau kya, haale se main sangeet ke sur Chug it on my hands and I feet and I boogie woogie to your style and dance and I make you tap and I clap and I rock it on and sing and na na na. Chug it on my hands and I feet and I boogie woogie to your style and dance and I make you tap and I clap and I rock it on and sing and na na na. सपने जो मन में है कहीं wanna do it my way. सच होंगे वक्त है यही gonna make it my day. मस्ती में साथ नाच ले आजा जीवन की धड़कन पे आज नाच ले आ लहरा के झूमेंगे रात रंगीली आजा दुनिया में कुछ करने का वक्त आ गया राजा. Chug it on my hands and I feet and I boogie woogie to your style and dance and I make you tap and I clap and I rock it on and sing and na na na. Chug it on my hands and I feet and I boogie woogie to your style and dance and I make you tap and I clap and I rock it on and sing and na na na. Na 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 na. Fire!
that shake and sway in the mood, say yeah yeah yeah. Machle man pyar mein tere. Let me show you baby. Ooh, yeah. Tu kitni paas hai mere. Let me teach you baby. Tera tara chamkega, dekhegi ye duniya. Tere haath mein aayengi do jahan ki khushiyan. Gir gir ke uthna hi zindagi ki taaqat hai. Khil jayengi ab sari murjhayi kaliyan. Check it out, my hands and I feet and I boogie woogie toogie style and dance and I make you tap and I clap and I rock it on and sing and nan and I. Check it out, my hands and I feet and I boogie woogie toogie style and dance and I make you tap and I clap and I rock it on and sing and nan and I. Boogie woogie, I'll make ya rock it on. Check it out, boogie woogie. गणेश और एंथोनी दोनों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया. यहाँ जीत हासिल करके इंटरनेशनल कंपटीशन में कौन जाने वाला है ये हमें मिस्टर फ्रांसिस बताएंगे. थैंक यू. द विनर इज मिस्टर गणेश. यस. वेल डन गणेश. कंग्रेचुलेशन. कम ऑन. बोलिए. थैंक यू सर. बिजी होने के बावजूद आपने मेरे लिए टाइम निकाला. इट्स ओके. पहले ये बताइए आपका सबसे बड़ा एम्बिशन क्या है. मेरा एम्बिशन अमेरिका के माइकल जैक्सन वेस्टर्न डांस के जरिए पूरी दुनिया में मशहूर है. उसी तरह इंडियन टैलेंट को भी पूरी दुनिया देखे वो भी मेरे जरिए. उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ना. डांस के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. हेलो. गणेश का एक्सीडेंट हो गया. हॉस्पिटल में है. अरे डांसर गणेश का एक्सीडेंट हो गया. चल हॉस्पिटल चलते हैं. हमारे गणेश को क्या हुआ बताइए. हमारे गणेश को क्या हुआ बताइए. हमारे गणेश को क्या हुआ बताइए. शांत हो जाइए. शांत हो जाइए. गणेश की जान को कोई खतरा नहीं है लेकिन प्रिया अगर तुम इस तरह रहोगी तो तुम्हारे भाई पर क्या बीतेगा. डॉक्टर ये तो मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है. उसके लिए मुझे यहां लेटा दिया. मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है. हिम्मत रखो. अपने आप को संभालो गणेश. गणेश 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 प्लीज गणेश. एंटनी सर. सर आपके दुश्मन के पंख कट गए सर. क्या. हाँ सर कार एक्सीडेंट में गणेश के दोनों पैर कट गए. देखिए सर देखिए. हो गया खत्म हो गया. इधर उसके दोनों पैर चले गए. अब मैं ही नंबर वन लूं. हम दोनों को अलग करना उसके बस की बात नहीं है. ये नामुमकिन है. मैं जानता हूँ यार. सारे ने कल भी मुझे फोन किया था. मुझे भी फोन किया था. अब इसका लफड़ा क्यों. छोड़ना. देखो विक्टर वो यहां भी यहां पहुंचा. आने दो. उसकी मौत ही उसे यहां खींच लाई है. ये
मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा। बिजनेस में दोस्ती का कोई मायना नहीं होता। तुम आके बैठ जाओ। भाई, भाई। हाँ। उसका बैड टाइम मेरा गुड टाइम। भाई, उस गणेश का चैप्टर क्लोज। एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर चले गए। अब वो जिंदगी भर डांस नहीं कर सकता। अब मैं ही नंबर वन हूँ। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ भाई। गॉड इज ग्रेट। दोस्तों को पार्टी देनी है, मैं चलता हूँ भाई। बाय बाय। Hey, सर, God is great कहता है। वो ये नहीं जानता कि उस ट्रक को मैंने ही भेजा था। मेरे सिवाय उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ही सब कुछ हूँ। अगर उसे कुछ हुआ तो वही ट्रक मैं तेरे लिए भेज दूंगा। समझ गया? जी। उसका ख्याल रखना। अब जा। तुम्हें कैसे समझाऊं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये स्पॉन्सरशिप एंटोनी की तरफ जा रही है, इस बात का मुझे बहुत दुख है। सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो समीर है, इसलिए गणेश का एक्सीडेंट हुए एक महीना होने पर भी हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब दिल्ली हेड ऑफिस वालों ने इन्हें भेजा है। अब गणेश से डायरेक्टली बात कैसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा है। किसी तरह अपने भैया से तुम ही को इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाना होगा। भैया, भैया। नीचे स्पॉन्सर्स वेट कर रहे हैं। दोनों इस पर तुम्हारी साइन चाहिए। हाँ बोलिए। अब इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके दस्तखत चाहिए। एक मिनट। तुम्हारे फ्रेंड गणेश को। प्रिया, प्रिया, हेलो। क्यों भाई, क्या हाल है? तुम अच्छे तो हो ना? क्या कर रहे हो? डांस प्रैक्टिस? हाँ। ओह, मैं भूल गया, पैर नहीं है ना? तुम्हारी हालत के बारे में सोचकर मुझे दुख हो रहा है। तुम्हें बाथरूम भी जाना हो तो किसी की हेल्प चाहिए ना? कहो तो किसी को मैं भेज दूँ। ओह, मैं फिर से भूल गया, तुम्हारी एक बहन भी है ना? बाथरूम में लेडीज का कुछ अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट ईयर नेशनल्स में मैं ही जीतूंगा। इंटरनेशनल कंपटीशन में भी मैं ही जाऊंगा। एक्सीडेंट तुम्हारा, एग्रीमेंट मेरा, ये है लक। अब तुम्हारा डांस करना नामुमकिन है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, कब का मर गया होता। अब करता हूं साइन। भैया, जब तुमने कुछ हासिल करने का बीड़ा उठाया तब मुझे तुम पर फक्र महसूस हुआ था, लेकिन अब अपने कमजोर भैया को देखकर मुझे शर्म आ रही है। और मैं क्या करूं? मैंने क्या गलती की जो भगवान ने मुझे ये सजा दी? डांस को ही अपनी जिंदगी माना था, अब उस डांस से ही दूर हो गया हूं।
अब किसके लिए जियो? जीना होगा भैया, जब एक आम आदमी मर जाता है तो सिर्फ वही मरता है, लेकिन अगर तुम मर जाओगे तो साथ साथ कला भी मर जाएगी। अपनी कला को मत मारो भैया, मरने के लिए एक पल काफी है लेकिन हासिल करने के लिए एक जन्म चाहिए। डांस तो सभी करते हैं लेकिन मेरा भाई ऐसा डांसर है जो अपने चाहने वालों के दिल को छू लेता है। सिर्फ पैर नहीं है, इस वजह से मौत को गले लगाने का ख्याल क्यों आया भैया? बहरा होने के बावजूद बीथोवन ने अनोखे संगीत की रचना नहीं की, अंधा होकर भी ब्रैली ने लिपि का इजाद नहीं किया, अंधी बहरी और गूंगी होकर भी हेलन केलर साहित्यकार नहीं बनी। डांस करने के लिए भले ही पाँव नहीं है लेकिन तुम्हारे अंदर वो कला है जिससे पूरी दुनिया झूम उठेगी। मन से ठान लो तो मार्ग दिखाई देगा। एक दिए से करोड़ों दिए जलाए जा सकते हैं भैया, तुम अगर चाहो तो तुम्हारी तरह एक और गणेश बना सकते हो। अगले साल नेशनल कॉम्पिटिशन में तुम अपनी तरफ से उसे डांस करा सकते हो, फिर इंटरनेशनल में भी उसे भेज सकते हो, अपने अधूरे सपने साकार कर सकते हो भैया। तुम कर सकते हो भैया, मुझे पूरा भरोसा है तुम करोगे। ये तुम्हारे खातिर या मेरी खातिर नहीं, तुम्हारे अंदर जो कला है उसकी खातिर तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारी बेइज्जती करने वाले उस एंटनी को अपनी और अपनी डांस की ताकत तुम्हें दिखानी होगी भैया। दिखा दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू, तुम सब जा सकते हो। प्रिया। हाँ भैया। आदमी के काम में स्टाइल होनी चाहिए, आदमी खुद स्टाइल नहीं होना चाहिए। इन सब के हेयर स्टाइल में, ड्रेसिंग में स्टाइल है, लेकिन ये जो डांस कर रहे हैं उसमें स्टाइल नहीं है प्रिया। यूं ही टाइम पास के लिए कर रहे हैं लोग। डांस ऐसा हो जो करने वाले के रोम रोम में समाया हुआ हो, उसकी नजरों में डांस हो, उसके चलन में डांस हो, उसके हर कदम में डांस हो, उसकी मुस्कान में डांस हो। उसकी जिंदगी ही डांस की तरह होनी चाहिए। डांस के लिए जान निचावर करने वाला कोई हो वो चाहिए मुझे। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब मेरा प्रोग्राम देखने आए हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वन मिनट, क्यों बे, मेरा शो क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तू? अरे पागलों की तरह बात मत कर, ये मत भूल कि हम डांस स्कूल में नौकरी कर रहे हैं। मास्टर जी ने देख लिया तो हमारी छुट्टी कर देंगे। ए, 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 देखना एक दिन मैं भी बहुत बड़ा डांसर बनूंगा, तब मेरा शो देखने के लिए लोगों की लाइन लगेगी। क्या कर रहे तुम दोनों? डांस, मेरा मतलब पोछा, पोछा लगा रहे। ए, मास्टर जी आ गए, दिखता नहीं है, जब देखो शो की बात कर। समझ जा यार। ए, स्टूडेंट्स आ गए हैं, चल ले जा इसे, ले जा। हाँ नमस्कार भाई, कल एक लड़की को बाइक पे बिठा के ले जा रहे थे, मैंने देखा। हाँ बैठिए। थैंक यू, आई एम सुबोध। आई एम रवि, स्टार होटल मैनेजर। हमारे होटल में आपका एक प्रोग्राम चाहिए, अभी इसी वक्त, टाइम बिल्कुल नहीं है। ओके, अभी हो जाएगा। किस तरह का डांस चाहिए आपको? ब्रेक डांस, रॉक एंड रोल, हिप हॉप, साल्सा? नहीं, बढ़िया सा इंडियन फॉक। What? Folk? जी हाँ। अंदर आते वक्त बार बोर्ड ने देखे क्या? देखा था लेकिन। सॉरी आप बाहर जाइए प्लीज। मेरी बात तो सुनिए। आई एम सॉरी, क्लास का टाइम हो गया, प्लीज। सब 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 सब। अरे क्या कर रहे हो? सब ये चांस हमें दीजिए ना सब, हम सब डांसर्स हैं सब। हाँ सर। तुम लोग डांसर्स हो? सर गुजारे के लिए सफाई का काम करते हैं सर, अभी हमारा टाइम नहीं आया ना, अगर आप हमें ये चांस देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। सर मेरा नाम राघव है, ये शिवा है, ये किरण है। नमस्ते सर। वो है शंकर। नमस्ते सर। और वो है बाशा, मैकेनिक। गुंगा है बेचारा, लेकिन ये डांस बहुत ही बढ़िया करता है सर। अरे ये क्या, एक तरफ डांसर्स कहते हो, एक तरफ मैकेनिक कहते हो, डांस कहाँ से सीखा? कौन है तुम्हारे गुरु? हमारे गुरु वो बॉम्बे में अभी एक्सीडेंट में जिनके पैर चले गए थे ना। कौन? गणेश? उन्होंने सिखाया? उन्होंने नहीं सिखाया, पर उन्हें गुरु मान के उनका फोटो रख के हमने खुद सीख लिया। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? सर हमें पैसे नहीं चाहिए सर, हमारा डांस देखकर चार लोग खुश होकर ताली बजाए यही हमारे लिए काफी है। ये मौका हमें दीजिए सर। सर अभी हमको आप फ्री में बुक कर सकते हैं, एक साल बाद नहीं मिलेंगे सर। डांस कंपटीशन के लिए अप्लाई किया है, उसमें चमक गए ना तो फिर टीवी, टीवी से सिनेमा, हम सब स्टार बन जाएंगे सर। तो पर विश्वास कैसे करूं? सर आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा सर? चलो हम सब यही डांस करके दिखाते हैं। अरे ये क्या, चलेगा?
मेरी बेटी और उसका दूल्हा दोनों अमेरिका में है ना, ये उनके फ्रेंड्स हैं। इनके लिए वेस्टर्न डांस का इंतजाम किया तो ये कह रहे हैं कि इनको लोक नृत्य देखना है, इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। सही कहा आपने, होटल मैनेजर उसका इंतजाम करने के लिए गया है। मैं आ गया सर। सुबोध, डांसर्स मिल गए? मिल गए सर, वो देखिए। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसा दूला कर्तव्यम देवमाहिगम। ये क्या फोक डांस के लिए बुलाया, लेकिन ये तो श्लोक पढ़ रहा है। ये लोग हमेशा इसी तरह शुरू करते हैं। अमेरिका देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, न्यूजीलैंड देखा, न्यूयॉर्क भी देखा, रॉक भी देखा, शौक भी देखा, सब कुछ देखा, लोक नृत्य ना कहीं देखा। गोविंदा गोविंदा, अब स्टार्ट कर दूं। मद्रासी स्टाइल है, महाराष्ट्री ताल है, दिल फेंकू नाच है, स्टाइल बेबी जिंदा बा। स्टाइल है अपनी स्टाइल है, हम सबकी स्टाइल है, नाच बेबी जिंदा बा। स्टाइल है इंडियन स्टाइल है, सबकी स्टाइल है। अमेरिका देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, फोक डांस है कहाँ, लोक नृत्य है कहाँ, न्यूयॉर्क देखा, न्यूजीलैंड देखा, जो मजा है यहाँ वो मजा है कहाँ। पंजाबी भांगड़ा, गुजराती डांडिया, झूम जाए हर कोई, ऐसा नाच है कहाँ, नाच ऐसा कहीं नहीं। जहाँ भी देखो यही डांस है। झूम झूम नाच लो, मस्त मस्त नाच लो, नाच लो नाच लो नाच लो नाच लो, दुनिया को भूल के मस्ती में झूम के नाच लो नाच लो, आओ आओ नाच लो। स्टाइल है अपनी स्टाइल है, हम सबकी स्टाइल है, नाच बेबी जिंदा बा। स्टाइल है स्टाइल है स्टाइल है अपनी स्टाइल है, हम सबकी स्टाइल है। लोगों को हमारा डांस बहुत पसंद आया। मेरी इज्जत बच गई। सब आपका आशीर्वाद है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया डांस किया है तुम लोगों ने। ये लो 5000।
5,000 इन पैसे से हम खूब मस्ती करेंगे यार। हाँ राघव, वंडरफुल आइडिया यार। ब्यूटीफुल। स्विमिंग पूल में डाल दूंगा। पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, डांस करने के लिए पैर में जूते नहीं है। ब्यूटीफुल आइडिया देता है सर। हम चलते हैं सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। भैया ये चाय है, इसे पीनी है। किस्मत फूट गई, इस तरफ से देखता हूँ तो उस तरफ तेरा थोड़ा दिखाई देता है। अच्छा, ये नोट तुम्हें दिया ना? हाँ मैंने दिया। इधर से देखो तो कुतुब मीनार दिखाई पड़ती है। फालतू बात करता है, तेरे इस फटे नोट से मेरी फटी चाय 100 गुना बेहतर है। चुपचाप चाय पी। अरे भाई तुम क्यों उदास हो? मेरी बेटी कॉलेज जाने से मना करती है। क्यों, परीक्षा आ गई क्या? नहीं यार। हा? कहती है लड़के रैगिंग करते हैं। अरे कॉलेज में तो रैगिंग वैगिंग होती ही रहती है। बातों से करे तो कोई बात नहीं। हा? पर वो कमीने हाथ लगाते हैं। तो थाने में रपट लिखाने के लिए बोलो। कोई फायदा नहीं भाई। हा? वो लड़का MLA का बेटा है। अरे तो मैं एक बढ़िया आइडिया बताता हूँ। देखो वो सामने वाले बिल्डिंग के एक छोटे से फ्लैट में 4-5 लड़के रहते हैं। उसमें राघव नाम का एक लड़का है, बड़ा सोना लड़का है। उसका एक माइनस पॉइंट है, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अगर तुम उसे पटा लो तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया। क्या करना होगा? उससे सिर्फ ये कहो कि तुम तो एकदम रजनीकांत की तरह डांस करते हो, बस इतना काफी है। टोंटो 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 करके वो डांस करने लगेगा। तुम सुपरस्टार की तरह फाइट करते हो, अगर इतना कहो तो वो अपना पूरा पावर दिखा देगा। बच्चों ये ड्रेस कैसा है? सुपर। थैंक यू। लो वो आ गया। ए राघव। हाँ। अरे तू तो बहुत बढ़िया कपड़ा पहना है। या कल एक बहुत बड़ा शो किया था, स्पॉट पेमेंट मिला, सबने 3-3 जोड़ी ड्रेस खरीद लिया खास मौके पर पहनने के लिए। ड्रेस अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। इस गेटअप में तुम कैसे लग रहे हो पता है? एकदम फिल्म स्टार दिखते हो। अगर तुम्हारी बात सच निकली ना तो तुम्हारा ये होटल तोड़ देंगे। कैसा शो बोलते हो? 5-स्टार होटल बना देंगे ना। थैंक यू। चलता हूँ। नमस्ते भाई। नमस्ते सर। राघव तुम ही हो ना? सर कल आपने मेरा प्रोग्राम देखा था, नया प्रोग्राम बुक करने आया सर। बैठिए बैठिए। स्पेशल चाय लाना। सर प्रोग्राम कहाँ पर? प्रोग्राम नहीं भाई, मेरी बेटी को कॉलेज में लड़के परेशान कर रहे हैं, तुम ही को बचाना होगा। चाय कैंसल। मैं क्या तुम्हें गुंडा दिखाई दे रहा हूँ? नहीं भाई। अरे डांसर हैं हम लोग, जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाओ। रजनी तुम रजनीकांत की तरह डांस करते हो। कंट्रोल। यस। सुपरस्टार की तरह फाइट भी करते हो। अब ये गया काम से। सचमुच में रजनी दिखता हूँ। हाँ बिल्कुल, इसीलिए रजनीकांत जैसी हेयर स्टाइल भी बनाई है। अच्छा कौन छेड़ता है हमारी बहन को? सारे जहां से अच्छा। hey, कौन है भे तू? इंडियन। यानी मैं इंडियन नहीं। तो अपनी सभ्यता मत भूलो भाई। सुना तुम इस लड़की का रैगिंग कर रहे थे, बेचारी कॉलेज जाने को भी डर रही है। ऐसा मत करो भाई। देखिए मैंने कह दिया। सर वो देखिए, मैंने कह दिया। सर, ना, वो नहीं। मैं कैसे रैगिंग करता हूँ तूने देखा नहीं ना? अब देख ले। मुझसे बात कर रहे हो तो हाथ पैर क्यों चला रहे हो भाई? ये देख। देखो मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मेरे बारे में क्या जानना है? मैं कौन हूँ जानता है? MLA का बेटा हूँ। किसी का भी बेटा हो मुझे उससे क्या? मेरा बैकग्राउंड सुनोगे तो एक कदम पीछे हट जाओगे। दिखाऊं? पहले ही बोला था ना। क्यों बे, तुझे मारू तो वो आएगा? तुझे मारने के लिए इनकी क्या जरूरत है? पूरी बोतल पिला दे उसे। ए, उसे छोड़ दो। अब अपने बैकग्राउंड के बारे में बोल, तेरा उस्ताद आएगा। फोटो निकाल। ए नहीं निकाल। ए, अरे देना। उस्ताद के फोटो को हाथ मत लगाना वरना। ए, 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 मुझे मरने आए थे हैं? ए, मेरे उस्ताद के फोटो को हाथ नहीं लगाना। तो ठीक है धो डाल। ओके उस्ताद।
क्यों रे? उस्ताद के फोटो को हाथ लगाते हो तुम लोग? उनका एक चेला ही तुम सब पे भारी पड़ गया। पूरे हिंदुस्तान में उनके चेले हैं। अगर उनको पता चल गया तो भगा भगा के शिवाजी स्टाइल में मारेंगे। रैगिंग करने आए थे सिस्टर। चलो बेटी। कमिंग। सॉरी बोलो रे। सॉरी सॉरी। इट्स ओके। ओके चलो। ओ बेटी स्टेडी चलो तुम लोग मेरी तरह। धीरे से रुकना था ना। सॉरी। दिखाई नहीं देता क्या? पिंक कलर टॉप, लाइट पिंक पैंट, ग्रीन कलर बैग, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है। ये सब साफ दिखाई दे रही है तो इतना पास आके क्यों रुका? मैंने तो करेक्ट प्लेस पर ही ब्रेक मारी थी। ये तो मेरी गाड़ी है जो तुम्हें देख के तुम्हारे पास आके रुक गई। चाहो तो गाड़ी को डांट दो। गाड़ी को डांटो? ए, डांटने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं। मैं इसी तरह डांटा करती हूँ। हाय सर। हाय। हेलो सर। मुझे डांस को ज्वाइन करना है। तुम दोनों फ्रेंड्स हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नाम? श्रुति। डांस के बेसिक जानती हो? जानती हूँ, बचपन में बच्चों के साथ लंगड़ी टांग खेली होगी। What? कुछ नहीं। तुम्हारा नाम? राजा। बेसिक जानते हो? थोड़ा बहुत जानता हूँ। ऐसी शक्ल और डांस, इसे डांस सिखा के बेचारे मास्टर खुद डांस भूल। क्या कहा? कुछ नहीं सर। ओके तुम्हें जो डांस आता करके दिखाओ। थैंक यू। अब फंस गई ना। ठीक है तुम जाके अपने काम करो, जाओ। गुड, तुमने अच्छा डांस किया, कीप इट अप। थैंक यू। बुरा मत मानना, तुमने अच्छा काम किया। अच्छा। एक्सक्यूज मी। थैंक यू वेरी मच। वक्त पे आके तुम मेरी मदद नहीं करते तो सबके सामने मेरी इज्जत चली जाती। मास्टर जी ने चाटा मारा उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मेरा नाम श्रुति है और तुम्हारा? मेरा नाम राघव। आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ओके? बहुत 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 थैंक्स। चलती हूँ, बाय। कोई बात नहीं यार, अपने ही मास्टर ने मारा है ना। कुछ नहीं कुछ नहीं। राघव तो हीरो बन गया यार। बा क्यों, क्या हुआ यार?
आज डांस क्लास में एक लड़की आई थी यार। भाई साहब हम बड़े बच्चों की सीक्रेट बात है, आप जरा उधर जाएंगे। वो लड़की क्या डांस कर रही थी यार, उसके लिए तू क्यों बात कर रहा है? जब वो लड़की डांस कर रही थी तो उसका जिप टपाक से खुल गया। उसके बाद उस लड़की को राघव ने अपनी बाहों में लेके जिप को जिपाक से बंद कर दिया। तेरी की, उसने बंद क्यों किया? यही तो मेरी समझ में नहीं आया, बाद में पता चला उस लड़की और राघव के बीच में लफड़ा है। लफड़े की बात सुनाता है साला। ए, पहले खुद की शक्ल आईने में देखनी चाहिए। वो कलरफुल लड़की और मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, वो कहां और मैं कहां? मोहब्बत में रूप रंग का भेदभाव नहीं होता। कल वो लड़की खुद आके तुमसे बात नहीं की तो मेरा नाम बदल देना। सुबह सुबह योगा करके मेडिटेशन करता हूँ तो कितना आनंद मिलता है, कहीं कोई आवाज नहीं, शांत वातावरण। सुनिए जी, काफी लीजिए। ये क्या पोज है? मर्यादा। क्या? रेस्पेक्टिंग जी। रेस्पेक्टिंग करने की जरूरत नहीं, शोर मत करो, वही काफी है। दरवाजा खोल के आया करो, तोड़ के मत आया करो। ठीक है जी, काफी लीजिए जी। कॉफी लीजिए, इस तरह कहो। हाँ। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने तो कुछ कहा नहीं। जोक। हटो। हरिओम। कला 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 कला। इधर आओ। ये सब क्या? चंद्रमुखी, रजनीकांत, लकल लकल लकल। आहिस्ता बोलो। लकल लकल। ये बिल्कुल ठीक है। लकल 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 लकल। गुड मॉर्निंग पापा। आ, सिर्फ तुम्हें एक हो जो शोर किए बिना शांति से गुड मॉर्निंग बोलती हो। फिर एक बार बोलो बेटी। गुड मॉर्निंग पापा। थैंक्स। जाओ जाओ। सब अपने अपने तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। सॉरी जी। सॉरी बोल रही हो? मैं एक बात पूछूं जी? पूछो शांता, शोर किए बिना शांति से पूछो। अच्छा जी। आप हमेशा इस तरह घर पे बैठकर शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जपते रहते हैं। ऊपर जो लड़के हैं ना, वो सूद के रुपए हर महीने ठीक से नहीं दे रहे हैं। जाके शांति से पैसे वसूल के आइए हस्बैंड जी। अरे आवाज का दुश्मन आ रहा है। अरे सचमुच यार यही आ रहा है। थाली फेंक, चम्मच भी। बाप रे बाप रे। मर गया। कान से खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। जाके 15 मिनट तक मेडिटेशन करना पड़ेगा। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, ऊपर से 3 साल का लव, लेकिन जब देखो सांप और नेवला। जाके आई लव यू बोलना। मैं क्यों बोलूं यार, हमेशा लड़कों को ही बोलना पड़ता है, लड़कियां नहीं बोल सकती। उसे ईगो है, कल शादी के बाद कहेगा कि मैंने थोड़ी तुमसे आके आई लव यू बोला, तुम्ही ने तो मुझसे पहले बोला ना, इसीलिए उसी को पहले आई लव यू बोलना होगा, तब तक मैं नहीं बोलूंगी। पहले अगर मैंने आई लव यू बोल दिया तो वो उसका फायदा उठाकर जिंदगी भर मुझे अपने पल्लू में बांध के रखेगी। उसके लिए तुम नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलूंगा, दिल में थोड़ा सा डर भी है यार। ना तुम बोल रहे हो ना वो, मामला गड़बड़ है। वो आकर तुमसे आई लव यू बोले यही ना, उसके लिए मेरे पास एक सुपर आइडिया है श्रुति। वो क्या? अरे कुछ नहीं, सिंपल है। तुम उसके सामने किसी और के साथ क्लोज बिहेव करो, वो जल के राख हो जाएगा और फौरन आके आई लव यू कहेगा। आइडिया तो बुरा नहीं, लेकिन किसके साथ क्लोज रहूं? हाँ वही तेरा हीरो है ना। मेरा हीरो? याद नहीं, जिप वाला राघव। वो तेरे बारे में ही बात कर रही है। लेकिन राघव को कैसे मनाएंगे? उसका एक वीक पॉइंट है, हमें उसका फायदा उठाना। कैसे? ए रजनी। स्टाइल स्टाइल।
राघव, सुना है तुम रजनीकांत के स्टाइल में डांस करते हो? आपको भी पता चल गया? हाँ, पता चल गया। वाव, मैं काफी फेमस हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, हाथ रख लीजिए। मेरे साथ चलो और भी फेमस हो जाओगे। चलो चलो चलो। तेरी वाली गाड़ी पटरी छोड़कर कहीं और जा रही है। अपना राघव है यार, वो ऐसा नहीं करेगा। बॉयज एंड गर्ल्स, अब ये राघव मिस्टर रजनीकांत डांस करने वाले हैं। सब आगे आ जाओ एंड गिव हिम अ बिग हैंड। कम ऑन, ये सुपर, थैंक यू जी। ए, डांस करो। मास्टर जी ने देख लिया तो मुझे मार के नौकरी से निकाल देंगे। मास्टर के आने में अभी एक घंटा बाकी है। एक घंटा नहीं, अभी आ जाएंगे। मैं डांस नहीं करूंगा। अभी नहीं करोगे? नहीं, हाँ करता हूँ। गुड। एक कंडीशन, मैं पोछा लगाने के स्टाइल में डांस करूंगा ताकि मास्टर जी के आने पर भी एडजस्ट हो जाए। ठीक है। एक और कंडीशन, मेरे उस्ताद सुपरस्टार रजनी के ऊपर गाना गाऊंगा। कौन सा गाना? मैंने खुद लिखा है, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पे। अरे तू अपना फोक डांस करके हमें बोर मत करना। फोक नहीं मेरे भाई, वेस्टर्न भी कर सकता हूँ, देखो तो सही। बैठ जाइए। ओके। स्टार्ट। Jam jackpot. You did for that. Shoot at sight. Fit oh fit. Chicky 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 let. Short short short. Put jam jam jackpot. Rajnikant superstar. Kaise ban gaya jaano tum. Bus ka tha wo conductor. Ye to sab hi jaane hum. गुड, वेरी गुड, अच्छा डांस करती हो, कीप इट अप। थैंक यू सर। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, वी विल कॉल टुडे, लेट्स गो। थैंक यू। नो, बढ़िया किया तुमने, सुपर। मास्टर जी, शुक्रिया मास्टर जी। मैंने तो सोचा था आप डांटेंगे या मारेंगे, पर आपने तो मेरी तारीफ की, बाकी सब लोगों ने भी तारीफ की। मैं काफी फेमस हो रहा हूँ मास्टर जी। चलो आजकल क्यों बे, यहाँ लड़की बनाने के लिए आते हो? उस दिन उसके जिप लगाने की जरूरत, आज उसके साथ डांस करने की हिम्मत? इन सबको साथ लेके अपना डांस स्कूल खोलना चाहता है? इडियट, बाहर जाओ, तेरी नौकरी खत्म, आउट। इन सबको साथ लेके अपना डांस स्कूल खोलना चाहता है? इन सबको साथ लेके अपना डांस स्कूल खोलना चाहता है? एक बार मिलाते हैं मास्टर जी।
एक मिनट बात करके चला जाऊंगा। बाहर बैठकर ठंडे दिमाग से सोचा मैंने, आपने तो अनजाने में हमारी मदद की है मास्टर जी। अभी तक हमें अपना डांस स्कूल खोलने का आइडिया बिल्कुल नहीं था। आपने बोल दिया ना, अब जरूर खोलें। हमारे डांस स्कूल के ओपनिंग का पहला इनविटेशन कार्ड आप ही को दूंगा मास्टर जी। है? ये नेक आइडिया देने के लिए आपका शुक्रिया। चलता हूँ मास्टर जी। हाँ मास्टर जी, मैं भूल गया, वाटर कैन खाली हो गया है, खुद ही जाकर ले आइएगा। डांस स्कूल कहाँ खोलेगा? हमारे कमरे में, वहाँ हमें ही प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं है। कमरे में नहीं यार, शेड में। अरे वाह, बताया नहीं, कब खरीदा तूने? ये सीरियसली बात कर रहा है और तू है कि? और क्या, यहाँ डांस स्कूल खोलना है तो सभी फ्लैट वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए इस अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट योगानंद जी से पूछते हैं। किससे? उस आवाज के दुश्मन से? उसके पास जाने से पहले सूद का पैसा देना पड़ेगा। सूद का पैसा ना देता हूँ। राघव ये भी रख ले यार। हे, सही वक्त पर मदद कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें थैंक्स नहीं बोलूंगा। अपने दोस्तों को मैं थैंक्स क्यों बोलूं? जय बजरंग बली, रक्षा करना। सर। अरे राघव, तुम लोग सर अंदर बैठो। सर बात क्या है, आप हमें खाना क्यों खिला रहे? पहले भोजन कर लो, बाद में बात करेंगे। राघव, सोचा ये हमें पीटेगा, लेकिन ये तो भोजन करा रहा है। भोजन कराने के बाद पीटेगा शायद। कल रात से खाना नहीं खाया ना, दो दिन का कोटा दबा कर भर लो। ऐसे खा रहे हैं जैसे पहले कभी खाना नहीं देखा हो। वाह, मजा आ गया, खाना बहुत ही बढ़िया। खुशी की सर, अब तो बता दीजिए आखिर ये दावत किस बात की? आज मेरे पिताजी की बरसी है। ओह, पिताजी की? वैसे हर साल 5 भिखारियों को खाना खिलाओ, आज सुबह से कोई भिखारी दिखाई नहीं दिया, मैं टेंशन में पड़ गया। सही वक्त पर तुम लोग आ गए। शांता, वो पान ले आना। कोई भिखारियों को पान भी खिलाता है? मेरे पिताजी को पान बहुत पसंद था। आपके पिताजी को क्वार्टर पीना पसंद नहीं था? बहुत पसंद था, इसलिए उसे मैंने अंदर कर लिया। मेडिटेशन से पहले या मेडिटेशन के बाद? मेडिटेशन के बाद में। अच्छा। मेडिटेशन से बाद में, पहले सूद का पैसा मांगे। रिश्ता, सूद के पैसे ले आया हूँ मैडम। तो फिर दे दो ना। बेकार में परेशान हो रही थी, देखा कितने अच्छे बच्चे हैं ये सब। छोटी मछली फेंक के बड़ी मछली पकड़ रहा हूँ। बड़ी मछली? सर, नीचे वो शेड खाली पड़ा है ना, उसे क्लीन करके हम वहाँ डांस स्कूल खोलना चाहते हैं। नहीं नहीं, अभी तुम जो छोर बताते हो उससे मेरे कान से खून निकलता है, ऊपर से डांस स्कूल अब बिल्कुल नहीं। सर, बड़ी उम्मीद लेकर हम आपके पास। वो मेरे अकेले का नहीं है भाई, बाकी फ्लैट वालों को मना लो तब देखेंगे। अब जाओ, जाओ, निकलो, 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 जाओ। सर, सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। वो नीचे जो शेड खाली पड़ा है सर, आप अगर परमिशन देंगे तो हम वहाँ डांस स्कूल खोलना चाहते हैं। ये फ्लैट से क्लब समझ रखा है क्या? सर, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा सर, प्लीज सर। आप लोगों का यहाँ होना ही हमारे लिए डिस्टरबेंस है, देखते क्या हो, जाओ यहाँ से। आप अंदर चलिए। मैडम, आप हमारी मदद करेंगी तो बड़ी मेहरबानी। चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए डांस करने वाले। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप अगर परमिशन दें तो नीचे जो शेड खाली है सर, उसमें हम डांस स्कूल खोलना चाहते हैं। क्या डांस स्कूल? सर, आपके बच्चों को फ्री में डांस सिखाएंगे, एक पैसा नहीं लेंगे सर। हमारे पास पैसे नहीं है, जो तुम मुफ्त में सिखाओगे। मेरा ये मतलब नहीं था सर। ये शक्ल लेकर डांस करो, जाओ जाओ, जाओ यहाँ से। कोई काम धंधा नहीं है, डांस करने निकला है। सर, सर। कौन है? नमस्ते मैडम, नीचे वाले शेड में हम डांस स्कूल खोलना चाहते हैं, आपके बच्चों को भी डांस सिखाएंगे। मेरे बच्चों को डांस सिखाओगे? कोई जरूरत नहीं, मुझे बच्चों को नहीं बिगाड़ना, जाओ यहाँ से। तुम लोग डांस सिखाओगे, अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? जाओ जाओ, चले आए बड़े, जाओ यहाँ से। छे, कोई भी हम पे तरस नहीं खा रहा है, ये शेड खाली तो पड़ी है, हमें दे दिया तो क्या बिगड़ जाएगा? कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करो, हमारे अंदर छुपी कला को वो लोग नहीं जानते। जानते तो ऐसा नहीं कहते, हम क्या है उन्हें दिखा देंगे। सुनो, जरा ड्रम्स ला के रखना। सहारा
कदमों तले होगा अपना किनारा। कह दें आपसे दिल की बात हम, थोड़ा सा गम हो जाए कम। दिल कहता है जीवन की राहों में एक दिन तो सपने सच होंगे। मिल जाए हमको आपका सहारा, कदमों तले होगा अपना किनारा। जो हमदर्दी आपकी मेहरबानी, दुनिया की है बेदर्दी। दिल से तुम सोचोगे हमको जो चाहोगे, एक दिन तो मंजिल तक आशा है पाओगे। झुक झुक के सजदा करें तुम सबके कदमों तले, सबकी दुआएं जो खुशियां ही खुशियां मिले। कह दे आपसे दिल की बात हम, थोड़ा सा गम हो जाए कम। दिल कहता है जीवन की राहों में एक दिन तो सपने सच होंगे। मिल जाए हमको आपका सहारा, कदमों तले होगा अपना किनारा। नाच दिखाएंगे मासूमों को रिझाएंगे, हम भी खिलौना बन जाएंगे और भी तमाशा दिखाएंगे। मन भोला है कोई क्या जाने, इन फूलों के मन में क्या, आंखों में अनजानी आशाएं है क्या क्या। जितनी है लहरें छुपी सागर की आगोश में, उतने ही अरमान हैं इस दिल के आकाश में। कह दे आपसे दिल की बात हम, थोड़ा सा गम हो जाए कम। दिल कहता है जीवन की राहों में एक दिन तो सपने सच होंगे। राघव, ये सब छोटे बच्चे हैं फिर भी इनका दिल बहुत बड़ा है। हमने जाने अनजाने में अगर तुम्हारा दिल दुखाया हो तो हमें माफ कर देना बेटे। ऐसा मत कहिए सर। राघव, तुम पांचों इतने बड़े कलाकार हो मैं नहीं जानती थी। ये लो मेरे पेंशन के पैसे, देती हूँ ले लो।
स्कूल की दीवारों को रंगने के काम आएंगे। ले लो बेटे। ईश्वर तुम लोगों का भला करेगा। राघव, ये सूद के पैसे हैं जो तुमने हमें दिए थे, ये तुम ही रख लो। हाँ राघव, एक दिन तुम सब बहुत बड़े बन जाओगे, तब ले लूंगी ये पैसे। अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट होने के नाते सबकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, तुम उस शर्ट में डांस स्कूल खोल सकते हो। ए, डालना। बेबे। हाय। हाय राघव। हाय। मैं डांस क्लास गई थी, सुना मास्टर ने तुम्हें काम से निकाल दिया। घमंडी मास्टर, मेरी वजह से तुम्हारा काम गया ना, इसलिए सॉरी बोलने आई हूँ। तुम्हें कोई मदद चाहिए? आप मुझे सॉरी क्यों बोलेंगी, उल्टा मुझे आपको थैंक्स कहना है। अगर मेरी वो नौकरी नहीं गई होती तो मैं ये डांस स्कूल खोलने के बारे में कभी नहीं सोचता। आपने तो अनजाने में हमारी मदद की है, हमें आपको थैंक्स बोलना चाहिए। ये तुम्हारा डांस स्कूल है? कब शुरू करोगे? बस दो एक दिन में शुरू करने का इरादा है। ठीक है, ये लो मेरा नंबर, जब भी कोई मदद चाहिए तो फोन कर लेना। ओके, ओपनिंग में बुलाओगे ना? हाँ, नहीं बुलाओगे तो भी आऊंगी। ये हमारा डांस स्कूल है। ओके बाय। प्रैक्टिस के लिए इतनी बड़ी जगह? आओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी रिबन कटाओ राघव, मुझे जरूरी काम है। कौन सा काम? मेडिटेशन करना है। लाओ लाओ। दादी माँ आगे आइए। हे, श्रुति अभी तक नहीं आई। कोई बात नहीं, आ जाएगी। आप रिबन काटिए। आहा राघव, तेरा डांस स्कूल खूब चलेगा। वो कैसे? अभी से कैची डांस कर रही है। अब बच्चे डांस करेंगे, आप लोग देखिए। जरूर देखेंगे। रेडी हो ना? रेडी। एक मिनट। म्यूजिक। वेरी गुड। सॉरी, ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देर हो गई। डांस स्कूल तो बहुत बढ़िया है, एग्जाम्स के बाद मैं भी यही सीखने आऊंगी। आएंगी? सचमुच आएंगी? आएगी। ये लो छोटा सा गिफ्ट। टाइम हो गया, अब मैं चलती हूँ। राघव, इस ड्रेस में बहुत स्मार्ट लग रहे हो। बाय। ये तोहफा देखने से कुछ नहीं होगा, वो लड़की इतनी दूर से आई है, उसे आई लव यू बोला था ना। कैसे भूलूं यार, उसे अपने बर्थडे पे बुलाओ। पिछले महीने में ही तो मेरा बर्थडे था। अरे वो कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट मांगने वाली है? आइडिया बहुत बढ़िया यार, तू जाके उसको फोन करता है कि नहीं। हेलो, मैं राघव बोल रहा हूँ। हाय हाय राघव, बोलो बोलो क्या है? कुछ नहीं, वो कल मेरा बर्थडे है। कल तुम्हारा बर्थडे है? पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, एडवांस हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ए राघव, तुम्हारे बर्थडे पर मैं ट्रीट दूंगी, पिज्जा हट में रखेंगे, प्रोग्राम भूलना मत। हेलो हेलो हेलो, मैं तुम्हारी बेसब्री से राह देखूंगी, तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। बोलना मत। तू बहुत ज्यादा बोल रही है बेचारा, चल ना। उधर देख, टेंशन से लाल पीला हो रहा है, कल ये भी आएगा वहां पे। ओए, तुमने तो कहा था कि सब सूट बूट में आएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं जोकर लग रहा हूँ। तू सबसे अलग है ना? हाँ, इसलिए ऐसा किया। ओह, मुझे सबसे अलग किया। लेट क्यों हो गए? कोट? नहीं नहीं, ऑटो मिलने में देर हो गई। ठीक है बैठो, एकदम हीरो लग रहे हो। आपको अच्छा लगा तो हीरो, वरना जीरो। क्या कहा?
कुछ नहीं, पहली बार सूट पहना है, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया है। Many many happy returns of the day. Thanks a lot. Hey. Excuse me. Waiter. Hey, वो देख, उस दिन हमारी धुलाई की थी ना, वही है, सुपर फिगर के साथ आया है। चल उसे दिखा देते हैं। हे, उस दिन उसने हम सबको उछाल उछाल कर मारा था, भूल गए क्या? अब उस दिन के बाद भूल जा, अब लौंडिया के सामने नहीं मारेगा, क्योंकि डर रहेगा लड़की उसे गुंडा ना समझ बैठे। सही मौके पे हाथ लगाए, चल। क्यों बे? ये लोग यहाँ कैसे आ गए? देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझे मारने आए हो, लेकिन अभी नहीं, बाद में तुम जहाँ बुलाओगे वहाँ मैं आ जाऊंगा। वहाँ तू हमें मारेगा ना, इसलिए हम यहाँ आए हैं। सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम सब काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस कमीने को। अरे बैठ जाना यार। देख, अपने राघव को मार रहे हैं यार। हाँ, जाके बचाओ। अबे ट्यूबलाइट, बैठ जा। वो इतना मार रहा है, तुम एक हाथ क्यों नहीं लगा देते? साथ में लड़की आई है, कैसे मारूं? ए, अब नहीं मारेगा, उस दिन तो बड़ा तांडव कर रहा था। डांस आता है, फाइट नहीं आती। वो लोग तुम्हें इतना मार रहे हैं और तुम एक बार भी नहीं मार सकते। क्या कहा? एक बार भी नहीं मार सकते? मारपीट आपको पसंद है? अरे तो पहले बोलना चाहिए था। आपको डांस भी पसंद है ना? डांस और फाइट को मिक्स करके आपको जलवा दिखाता हूँ, बैठकर कोल्ड ड्रिंक के साथ मजा लीजिए। भाई लोग रुक क्यों गए, शुरू हो जाओ। ए, सब आ जाओ। Check out the style. Yo. I wanna rock it. Yeah, check it out. He starts the game. Yo. He's got the style. Taking on the mind. Breaking all the मिनट रुको। उस दिन वहां मैंने तुम्हें मारा और आज यहां तुमने मुझे मारा। तुम्हारा मुझे मारना, मेरा तुम्हें मारना, ये मारपीट ही जिंदगी नहीं है। एक पते की बात बोलता हूं, आज से हम लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, वरना। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। क्या? हम भी यही बताने के लिए आ रहे थे। हाँ भाई, अब चलो। तुमने तो कमाल कर दिया। बैठो ना। सोचा तुम डांस करने में ही माहिर हो, फाइट भी अच्छा कर लेते हो। थैंक यू। ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। सेल्स? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे पास फोन नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए मोबाइल खरीद के लाई हूँ। मैं दूंगी तो नहीं लोगे? नहीं ऐसा। प्लीज ले लो ना। अच्छा, तुम मुझसे कुछ बोलने वाले थे ना? हाँ, नहीं वो बोलो। वो मैं मुझे पानी पीना है। अब बताओ। हाँ बताता हूँ। बताओ। वो मैं तुम
आज कौन सा वार है? बुधवार। अच्छा तो गुरुवार मेरे लिए लकी है, मैं कल बताता हूँ। ठीक है। अच्छा तो चलता हूँ। ओके राघव, बाय, सी यू, आई सी यू टुमारो, आई मिस यू राघव, मुझे फोन करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो चला गया, बस करो। ये सब अच्छा नहीं है श्रुति। क्या मेरा ड्रेस? तुम जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। मैंने क्या किया? तुम उसके साथ क्लोज रहती तो मेरे अंदर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, कोई वजह है तो बताओ। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार करते हो मुझसे? अरे वाह, शर्मा रहे हो। यही तुमसे बुलवाने के लिए इतना सब ड्रामा किया। ड्रामा कैसा लगा? बहुत बढ़िया था। ए, हमारी डांस स्कूल को गिरा रहे सर। हमारी डांस स्कूल को क्यों गिरा रहे हैं? सबको अलग अलग बोलना पड़ेगा, वहां जाकर उनसे पूछो। सर सर, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? रोड को बड़ा कर रहे हैं, इसलिए जो भी बीच में है सबको तोड़ रहे हैं कॉर्पोरेशन वाले। सर, ये बिल्डिंग और ये कंपाउंड तो आपका है ना सर? हमने भी यही समझा था, लेकिन सबको धोखा दिया उस बिल्डर ने। अरे ये तो सब तोड़ रहे हैं। सर 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 सर, प्लीज सर इसे मत तोड़िए सर। सर हमने बड़ी मुश्किल से इसे छोड़ा है सर। सर हमारा खून पसीना बहा कर सर क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे देख क्या रहे हो, निकलो नहीं यहाँ से। ऊपर नीचे प्लीज सर। अरे जाओ ना। मेरे दोस्त को क्यों मारा तूने? तेरा बच्चों को क्यों मार रहे हो? गवर्नमेंट ऑफिसर पे हाथ उठाएंगे तो चुप रहेंगे क्या? जाने में बच्चे बोल गए, उन्हें माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। आ जा रहा है। अरे कोई से रोको। जरा सुनिए, यहाँ राघव कौन है? वो वहाँ बैठा है, उसके लिए डांस बेबी डांस से लेटर आया है। मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। उसे पढ़ना नहीं आता, मुझे ही पढ़ के सुनाना होगा। ए राघव, तुम्हारे डांस स्कूल को तोड़ दिया उसकी चिंता छोड़ दो, तुम लोग डांस बेबी डांस के लिए सेलेक्ट हो गए हो। ये रहा लेटर। क्या? माँ, डांस बेबी डांस में हम सेलेक्ट हुए हैं, आशीर्वाद दो कि जीत हमारी ही हो। गुरुजी, हम डांस बेबी डांस में सेलेक्ट हुए हैं और हम ही जीतेंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। गणेश, देखो देखो मैं कैसे डांस कर रहा हूँ, तुम भी करना चाहते हो? करो करो, पैर बाहर निकालो निकालो निकालो, ऐसे घुमाओ वैसे घुमाओ, जैसे मैं घुमा रहा हूँ घुमाओ, करो ना करो ना यार। पाँव से लाचारों को जदे बाबा, ये ले भगवान तेरा भला करे। उसका तो एक पैर नहीं है इसलिए पैसा दिया, तुम्हारे तो दोनों ही नहीं है, ये ले। उसका तो एक पैर नहीं है इसलिए पैसा दिया, तुम्हारे तो दोनों ही नहीं है, ये ले। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया डांस किया है। रजनी, कैसा लगा इनका डांस? सुपर विजय। सुपर लगा ना? सुपर, कमाल कर दिया ना इन्होंने, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट कौन आ रहा है बोलो? तुम्हें बोलो ना। I'm leaving a surprise for my friend. मिस्टर गणेश के नाम से गोवा से एक ग्रुप आया है। आखिरी बार गणेश जी ने जिस सॉन्ग पर डांस किया था उसी गाने पर वही ड्रेस पहनकर धूम मचाने के लिए ये लोग आए हैं। तुम रेडी हो? मैं रेडी। तो फिर वो भी रेडी हैं। सो प्लीज वेलकम गणेश ग्रुप फ्रॉम गोवा। फायर!
टीवी में अच्छा प्रोग्राम चल रहा था और बिजली चली गई। कैसा प्रोग्राम भैया? हम दोनों एक बढ़िया डांसर को ढूंढ रहे थे ना, एकदम सही लड़का मिल गया। बहुत बढ़िया डांस कर रहा था, एमटीवी के डांस बेबी डांस में मेरे गाने पर ठीक मेरी तरह डांस कर रहा था वो। सच? बहुत अच्छा डांस कर रहा था। जैसे भी हो मुझे उसका एड्रेस चाहिए प्रिया, प्लीज प्रिया। उस चैनल में मेरी जान पहचान का एक एडिटर है, उसके जरिए मैं उनका पता लगा लूंगी। ठीक है, जरूर मेरे लिए तुम ये काम करोगी ना? जरूर भैया। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ईश्वर है, जरूर है। मुझे इसी वक्त एंटनी से मिलना है प्रिया। क्यों भैया? मुझे इसी वक्त एंटनी से मिलना है। क्यों आ गए हो भाई डांस करने के लिए? तुम्हारे तो पैर ही नहीं है, कैसे डांस करोगे? ऐसे करोगे, ऐसे करोगे या ऐसे करोगे? तुम करोगे तो ऐसा लगेगा। थू आ 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 कर 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 कुछ ना डिफरेंट करके दिखा। क्यों सोच रहा है? कर कर के दिखा, आजा आजा कर। नहीं तो अपनी बहन को मेरे साथ डांस करने के लिए भेज दे। एंथनी, तुझे हराने वाला और मुझे जिताने वाला कोई डांसर मुझे मिल गया है। इस साल के डांस कंपटीशन में मेरे डांस की ताकत क्या है मैं तुझे दिखा दूंगा। दिखा दूंगा। हाय हाय, एक जोक सुनाओ। सुनाओ। उस गणेश ने मुझसे चैलेंज किया है कि वो मुझे हराने के लिए किसी को ला रहा है। लेकर आने दे, उसे भी देख लेंगे। बस बस बस, कितना हुआ? चक दे। टीवी में आपका डांस देखा था। हाँ। सुपर। अच्छा लगा? बहुत अच्छा था। तुम्हारे फ्रेंड्स ने भी देखा? हाँ, सबने देखा। अच्छा, तो उन्हें एक बात कहना। कौन सी बात? लगा 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 लगा। बच्चों, माय फ्रेंड्स। अंकल, टीवी पे आपका डांस देखा, बहुत अच्छा था। अंकल, जैसे मैंने सिखाया वैसा ही किया आपने। ठीक है, जैसा तूने सिखाया वैसा ही। मैं जैसा लगता हूँ ना? अरे, अगला सुपरस्टार तू ही है। क्या कमाल कर दिया! वाह वाह वाह, तुम्हारा डांस देखकर मुझे ही कुछ कुछ होने लगा है। ये तो मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, जो मैंने सिर्फ शेक हैंड करके छोड़ दिया। अगर मैं अमेरिका में पैदा हुई होती, पैदा हुई होती, उसकी इंग्लिश किस कर देती। इसलिए तू जुमली तरह में पैदा हुई। तुम क्यों शर्माते हो राघव? शर्म तो मुझे आनी चाहिए। शांति शांति राघव, तुम जाके फाइनल्स की तैयारी करो, मैं जाके योगा की तैयारी करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी ने अभी भी पढ़ा दिया। गुरुजी, आपके तरह डांस करके फाइनल्स में पहुंच गए। अब फाइनल्स में भी हमारी ही जीत हो। ए, आज बहुत खुशी का दिन है, सब तारीफ कर रहे हैं, मैं बहुत खुश। तारीफ करनी चाहिए, वो करे तो और भी मजा आएगा। श्रुति यार, फोन करके पूछना डांस देखा कि नहीं। हाँ, पूछना यार,
फोन करके पूछना कि उसने डांस देखा कि नहीं। उधर लड़की कहेगी हाँ डांस देखा, इधर तू ही करना। उधर वो लड़की फोन रख देगी, इधर तू फोन रख देना। सुपर, बहुत बढ़िया। पत्ती सी तोड़ दूंगा साले। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया यार? कुछ नहीं करता, यही तो प्रॉब्लम है। ए, फोन करके आई लव यू बोलना। सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अभी फोन करता हूँ, अभी नंबर लगाता हूँ। लगा ले। क्या हुआ? फोन आ रहा है। कौन है? ये तो श्रुति है। बात कर, बात कर, बात कर। हेलो। हाय राघव, मैं श्रुति बोल रही हूँ। हाँ मैं श्रुति, नहीं 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 राघव बोल रहा हूँ। मुझे फौरन तुमसे एक पर्सनल बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। ये लोग हाँ बोल रहे हैं। अभी तुम कहाँ पर हो? मैं ना रास्ते में। नहीं 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 फ्लैट में हूँ। ओफो, ये फोन में कहने की बात नहीं है राघव। आज शाम को 7 बजे मैं तुम्हारे फ्लैट में आकर बताऊंगी। ओके बाय। उसने कहा वो आज रात 7 बजे फ्लैट पर आएगी। वो आके आई लव यू जरूर बोलेगी, लेकिन ये उदास क्यों है यार? भैया, टीवी में जिस डांसर को देखा था उसका पता मिल गया है। उसका नाम राघव है, गोवा में रहता है। राघव? हाँ भैया, मैं गोवा जाऊंगी। वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब जानने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगी। झलक दिखला जा, एक बार आ जा, 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 जा। ए बॉडी बिल्डर, ये सजावट किस लिए? तुम नहीं जानते, हमारे राघव को इश्क हुआ है। अब वो लड़की यहाँ आके उससे आई लव यू बोलने वाली है। सच? हाँ, तुम बीबीसी न्यूज हो ना, जाके सबको बता दो। आंटी, आज ना राघव की गर्लफ्रेंड आ रही है। अच्छा? आज राघव की लैला आ रही है। क्या है? कौन आ रहा है जो स्वागत की तैयारी कर रहे हो? हाँ आप सब आ रहे हैं ना? अरे हाँ, मुझे शक है कि तुम्हें इश्क है। मैं नहीं, बीबीसी। उसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हें इश्क हुआ है ना? ठीक है ठीक है, इस खुशी के मौके पर तुम्हारा डांस प्रोग्राम रखे तो कैसा रहेगा? नहीं 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 नहीं, मेरा ड्रेस खराब हो जाएगा। जब वो लड़की आएगी मुझे ग्लैमरस दिखना है। हाय मेरी दैया। ये क्या है? तुम गाना नहीं गाओगे? नहीं गाऊंगा रजनी। एक गाना तो गाओ यार। बच्चों को भी मेरी वीकनेस का पता चल गया। ठीक है। अरे रजनी है, ये तो रजनी है। रजनीकांत आया रात में, उजाला हो गया। सुपरस्टार आया, दिल ये हमारा खो गया। रजनीकांत आया, रजनीकांत आया, रात में उजाला हो गया। सुपरस्टार पे तो हर कोई दीवाना हो गया, रजनीकांत में तो सारा जमाना खो गया। वो है कहाँ, मैं हूँ कहाँ, दिल तो वहाँ, वो है जहाँ। गाओ भैया, अरे नाचो भैया, गाओ भैया, नाचो भैया, नाचो भैया, गाओ भैया। लपक टपाओ, लपक टपाओ, लपक टपाओ, लैपटॉप, लपक टपाओ, लपक टपाओ, लपक टपाओ, लैपटॉप। हसीन दिल रुबा, दिल चुरा के ले गए हो। आंखों ही आंखों में जान जान के कह गए हो। सी बथी हसीन, जान जिगर दिल नशी, मुझको यूं लुभा के वो कमरे में ले गई। फिर तो उसने, फिर तो उसने, फिर तो उसने डोर बंद कर दिया, फिर उसने बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके बत्ती बुझाने के बाद क्या हुआ भैया? क्या हुआ? अंधेरे में एकदम मौज मस्ती। रजनीकांत आया, रजनीकांत आया, रजनीकांत आया, रात में उजाला हो गया। सुपरस्टार आया, दिल ये हमारा खो गया। रजनीकांत में तो सारा जमाना खो गया।
सूरज की रोशनी चांद की वो चांदनी हो गोरे गोरे बच्चे पैदा करेगी ये कहा तीन महीने हो गए धीरे धीरे चलने लगी छठा महीना हो गया आस थोड़ी बंद गई नौ महीने नौ महीने नौ महीने पूरे हो गए हैं टेंशन मेरी शुरू हो गई है भैया नौ महीना पूरा हो जाने के बाद क्या हुआ अरे होना क्या था वही आवाज रजनीकांत आया रजनीकांत ने जो बच्चे को थोड़ा सा छू लिया उसके छूने से बच्चा भी हंसने लगा रजनीकांत को जो देखा तो खुश हो गया रजनीकांत आया छोटा बच्चा खुश हो गया अब तो खुश हो गया वो है कहाँ मैं हूँ कहाँ दिल है वहाँ वो है जहाँ गाओ भैया अरे नाचो भैया गाओ भैया नाचो भैया गाओ भैया लपक टपाऊं 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 आज यहाँ पे कोई त्योहार है आपका आना ही बहुत बड़ा त्योहार है क्यों बीबीसी हाँ? ये वही लड़की है ना जो डांस स्कूल की ओपनिंग में आई थी मुझे तभी शक हुआ था ये चारों मेरे दोस्त हैं इसे आप जानती हैं वो है शंकर बाशा किरण हाय ये सब हमारे अपार्टमेंट के लोग हैं चलिए ले जाओ शिवा बैठिए ना बैठो अरे ठीक से बैठो आप कुछ बोलने वाली थी अपने प्यार के बारे में बहुत पहले बताने वाली थी मैं लेकिन ईगो प्रॉब्लम की वजह से नहीं बताया मुझसे ईगो किस लिए कब बताऊं कैसे बताऊं इसी कंफ्यूजन में थी तब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे आइडिया दिया अगर मैं किसी दूसरे के साथ क्लोज हो जाऊं तो मेरा बॉयफ्रेंड जेलस हो जाएगा और अपने आप मेरे पास आकर आई लव यू बोलेगा जब से मैं तुमसे क्लोज रहने लगी तो राजा जल भुनकर राख हो गया पिछली बार तुमने पिज़्ज़ा हट में फाइट किया था ना और मैंने भी तुम्हें गिफ्ट दिया था तब उसका चेहरा देखने लायक था पीला पड़ गया था तब उसने क्या किया पता है फौरन आके आई लव यू बोल दिया मैं और राजा पिछले 3 सालों से प्यार कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स ने भी ओके किया है जो भी हो हमारे प्यार की कामयाबी की वजह तुम ही हो इसलिए फर्स्ट वेडिंग कार्ड तुम ही को देना चाहती थी उसके लिए राजा भी मान गया वेडिंग कार्ड लेकर यही आने वाला था हमेशा की तरह लेट हाय राघव कैसे हो हे राघव राघव हम दोनों की जोड़ी जचती है ना बोलो हाँ राघव हमारी शादी में तुम्हें आना ही पड़ेगा हाँ बिल्कुल आना ही पड़ेगा चलो चलते हैं ओके बाय ए राघव मैंने अपने प्यार के बारे में तो बता दिया तुम किसी से प्यार करते हो कि नहीं ये डांस के सिवा और किसी को प्यार नहीं करता मैंने ठीक कहा ना राघव कम ऑन बाय अबे अब क्या खड़े खड़े सोच रहा है कहना था ना कि तू भी इसे प्यार करता है ए कैसे बोलता उस लड़की ने किसी और को लाके उसे शादी कर रही हूं कहा उसे छोड़ना नहीं चाहिए हाँ यार उसे नहीं छोड़ेंगे नहीं बेकार की बातें मत करो यार तुम लोग यहीं पर रहो मैं कुछ देर बाहर जाकर आता हूँ सॉरी राघव हमने ही बेकार में बढ़ा चढ़ा के तुम्हें उम्मीद जगा के दुखी कर दिया मैं राघव के फ्लैट में अपना बैग भूल गई अरे बाबा वहाँ मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे अब इतनी दूर वापस जाना है जरूरत नहीं तुम उनके पास जाओ मैं ऑटो में जाकर अपना बैग लेके फौरन वहाँ जाऊंगी ओके बाय ओके जल्दी आ जाना उस लड़की ने ऐसा क्यों किया बेचारा राघव राघव को अकेला क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने ये लो तुम्हारे फ्लैट में अपना बैग भूल गई ये लो लेके जाओ क्या हुआ तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो क्यों नहीं होंगे तुमने तो काम ही ऐसा किया है मैंने क्या किया हमें तुम्हारी तरह एक्टिंग नहीं आती मन में जो होता है बोल देते हैं किसकी बात कर रहे हो तुम आखिर हुआ क्या है हमारे राघव भैया तुमसे प्यार करते हैं तुम नहीं जानती राघव मुझसे प्यार करता है डांस स्कूल को ओपनिंग में आए बर्थडे पार्टी में आए उसे सेल फोन दिया ये सब बिना प्यार के करती रही ऐसा तुम सोचती हो उसके दिल में प्यार का एहसास जगाने वाली तुम हो ये तुम्हारी गलती है
भगवान को भी तरस नहीं आता, सारे दुख उसी को दिया। वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बस स्टॉप पे खड़े होकर वो लड़कियों को लाइन नहीं मारता। अपने माँ के सपनों को उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। तुम क्या जानती हो उसके बारे में? मैं बताता हूँ, सुनो। तलांग तुम तक धनी गिन तुम तलांग तुम। क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आए हो? आज मेरी माँ का जन्मदिन है मैडम, मैं उनके लिए तोहफा लेने गया था। दिखाओ क्या तोहफा खरीदा है। बहुत सुंदर है, उसे वहाँ रख दो और प्रैक्टिस करो। तयुम तत्ता तयुम ताहा तयुम तत्ता। राघव राघव, वहाँ तेरी माँ को कोई ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है? मैं नहीं जानता राघव। मैडम तुम जाओ। क्यों भाई, अब तुम लोगों को तसल्ली मिल गई ना, अब तुम्हारा कलेजा ठंडा हो गया। मेजारी का सुदबुद खो गया, वो किसी कोने में पड़ी रही थी, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जिसने भी फोन किया है उसका सत्यानाश हो जाए, कभी भला नहीं होगा उसका। बेटा इस माँ का एक सपना है, उसे तुम पूरा करोगे? तुम्हारा क्या सपना है माँ? बेटा ये फोटो देखो, ये हमारे गांव में जो राम मंदिर है ना, हाँ। वहाँ जब मैंने डांस किया था तब की है। मेरा डांस देख के पूरे गांव वाले कहते थे कि एक न एक दिन मैं बहुत बड़ी डांसर बन जाऊंगी। ये बात है? हाँ, मैं भी एक बड़ी डांसर बनने का सपना देखा करती थी। बाद में शादी हो गई, तुम्हारे पिता को डांस बिल्कुल पसंद नहीं है, सो मेरा सपना अधूरा ही रह गया। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करने की सोचते हैं, लेकिन जिसकी तमन्ना पूरी नहीं होती वो अपने सपनों को अपने बच्चों के जरिए साकार करना चाहते हैं। मैं भी ऐसी ही हूँ, इसीलिए तुझे डांस स्कूल भेज रही हूँ। तुझे अच्छी तरह डांस सीख के बहुत बड़ा डांसर बनना है, तेरा डांस देखकर सारी दुनिया वाह वाह करे। ए राघव, यही मेरा सपना है, चाहे कुछ भी हो जाए तू डांस कभी नहीं छोड़ना बेटा। चल मुझसे वादा कर। वादा करना है तो पहले तुम्हें डांस करना होगा। उमा मैं अभी नहीं। नहीं करोगी? नहीं करूंगी। मैं करूंगा तो तुम भी करोगी? आ? वादा कर। माँ तुम्हारी कसम खाकर बोलता हूँ माँ, मुझे चाहे कोई भी तकलीफ हो मैं डांस कभी नहीं छोड़ूंगा माँ, तुम्हारा सपना मैं पूरा करूँगा माँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, तू तो मेरा राजा बेटा है। उफ़ क्या बात है? तुमने कहा था ना कि तुम अपनी बीवी को मार दोगे। मारने के लिए ही डंडा लेकर गया था, जोर से सर पर मारा भी, लेकिन साली वो मरी नहीं, पागल हो गई। आइंदा उसकी वजह से हमें कोई परेशानी ना हो इसलिए
चुपके से मैंने पागल खाने वालों को फोन करके बयान बुलवा के उसे पकड़वा दिया। अब हमें कोई कोई परेशानी नहीं। परेशानी अब भी है। अब क्या है? तुम्हारा बेटा है ना, वो मैं उसकी खबर ले लूंगा ना। उसकी कोई जरूरत नहीं, दो दिन उसे खाना मत देना भाग जाएगा। मेरी बात मानो ना। मैंने जो कहा वो याद रहेगा ना? ठीक है, तुम जाओ जाओ। वार्ड बॉयज, वार्ड बॉयज, मैडम वो पागल भाग गई, जाओ पकड़ो। चल, 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 चल। तुम्हारी कसम खाकर बोलता हूँ माँ, मुझे चाहे कोई भी तकलीफ हो मैं डांस कभी नहीं छोड़ूंगा माँ, तुम्हारा सपना मैं पूरा करूंगा माँ। ए क्या कर रहे हैं? चल हट। हाँ
हाँ सिखाऊंगा। हमी वो चार लड़के हैं, तब से राघव हमें पनाह देके डांस नहीं सिखा रहा होता तो डांसर बनने के बजाय हम कोई गुंडा या आतंकवादी बन गए होते। बेचारा राघव हर जगह अपनी माँ को ढूंढता रहता है, उसे भरोसा है कि वो जरूर मिलेंगी। ए, राघव आ रहा है। सॉरी राघव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मजाक ही मजाक में मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। छे, माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं चांद को पाना चाहता था, तारों में बसना चाहता था। अगर मेरे फ्रेंड्स ने कुछ गलत कह दिया है तो उन्हें माफ कर दीजिएगा। अब आप जाइए, काफी देर हो गई है, जाइए ना। सॉरी राघव। कोई बात नहीं, आप जाइए। अरे तुम लोग उदास क्यों हो? कल हमें डांस में भी डांस के फाइनल्स के लिए जाना है, चलो चलते हैं। हे, तुझे दुख नहीं हो रहा? मान लो कि उसकी किस्मत में मेरी बीवी बनना नहीं लिखा। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, प्यार में नाकाम होने से मर जाना चाहिए या फिर देवदास की तरह दाढ़ी बढ़ा के एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे में कुत्ते को लेकर घूमना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि दुख नहीं है, दुख तो जरूर है। एक घंटा बाहर जाकर अकेले में सोचा कि माँ का लक्ष्य मेरे लिए ज्यादा कीमती है या प्यार। माँ के सपनों के आगे प्यार बहुत ही छोटा दिखाई दिया मुझे। मेरा ये मतलब नहीं कि प्यार बुरा होता है, प्यार तो महान है, प्यार जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन प्यार ही जिंदगी नहीं है। हम सब अपने लक्ष्य से प्यार करेंगे और उसमें कामयाब होंगे। इस शादी को देखो, उनके और हमारे बीच क्या रिश्ता है? हाँ, हमारा दुख दूर करने के लिए, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने पेंशन के रुपए देकर डांस स्कूल की दीवारों को रंगने के लिए कहा। इन बच्चों का हमारे साथ क्या संबंध है? इन्होंने भी पैसा देकर हमारी मदद की है। आज तक जब भी हम दुखी होते थे मुड़कर देखने वाला भी कोई नहीं था, आज अगर हम दुखी हैं तो आंसू बहाने के लिए इतने सारे लोग हैं, ये भी तो एक तरह का प्यार है। ये प्यार काफी है मेरे लिए, कम ऑन। हेलो भैया, तुम्हें जिसकी तलाश थी वो मिल गया है। इतने दिन इंतजार करना पड़ा लेकिन सही लड़के को चुन लिया है। डांस के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है वो। तुम फौरन निकल कर गोवा आ जाओ भैया। साइलेंस। मेडिटेशन करते समय शोर मचाया। माँ, कब तक ऐसी जिएंगी? अब ऐसे जीने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। अरे रे 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 रे, मेरा सोना बेटा, इतना बढ़िया आइडिया इतना लेट बता रहे हो, वो ऑपरेशन शुरू करते हैं, चलो। Excuse me. Darling. छोड़ो शांति, छोटे बच्चों की तरफ। हे भगवान, मेरी सुहाग की रक्षा करना, लेकिन इनको बहरा भी बनाना। आज तुम्हारी मुंह से अलग बू आ रही है। पिताजी के कान चले गए। My dear family members, मैं बहरा नहीं हो सकता। ए, टाइम हो गया है, सब रेडी हो ना? हाँ बिल्कुल। रेलवे स्टेशन चलो। हाँ चलो। हाँ यही रुको, मैं भी आई। Excuse me? Yeah. यहाँ राघव नाम का? हाँ है ना, डांस बेबी डांस प्रोग्राम के लिए मुंबई गया है। मुंबई? Yeah, just. वो कब गया? अभी अभी गया है। Thank you. जल्दी चलाइए प्लीज। अरे एक मिनट, यही रुको।
अरे यहाँ क्यों रुकवा दिया? मंदिर में दर्शन करके चलते हैं। अरे ट्रेन का टाइम हो रहा है यार। आज माँ का जन्मदिन है यार। तो फिर जरूर जाएंगे। ठीक है चलो। चलो हाँ चलो। पंडित जी माँ के नाम पर अर्चना कर दीजिए। उनका नाम लक्ष्मी है ना? करता हूँ। राघव इस साल तुम्हारी माँ अवश्य मिल जाएंगे। ओम नमस्ते अस्तु भगवन विश्वाय स्वराज महादेव। हे भगवान डांस बेबी डांस में जिताकर मुझे बहुत बड़ा नाम दिलाकर मेरी माँ का सपना पूरा करवा देना। राघव टाइम हो गया यार। हाँ प्रसाद तो लेने दो। चलता हूँ पंडित जी। जल्दी चल यार। ए राघव जल्दी चलना यार। अब एक मिनट रुको मैं बस अभी आया। देखो यही मेरी माँ है। भगवान ने मुझे मेरी माँ से मिला दिया। तुम यही रुको मैं अभी आया। पंडित जी पंडित जी जल्दी आइए। क्या बात है? जैसा आपने कहा मुझे मेरी माँ मिल गई। बड़ी खुशी की वो देखो वहाँ बाहर बैठी है। मुझे मेरी माँ मिल गई। भगवान तूने मेरी सुन ली। पंडित जी चलिए मेरी माँ से मिलवाता हूँ। चलिए चलिए ना। ए, अरे अब क्यों रो रहे हो? माँ तो मिल गई ना। माँ अरे अब तक सो रही हो? माँ 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 बात क्यों नहीं कर रही है? राघव माँ मर गई। माँ मर गई ये कहा तो जान ले लूंगा तेरी। माँ माँ उठो माँ। माँ तुमसे बहुत सारी बातें करनी है माँ। माँ ये चारों मेरे दोस्त हैं माँ। ये शिवा ये शंकर है माँ। ये किरण है माँ। और ये बादशाह बोल नहीं सकता पर डांस बहुत बढ़िया करता है माँ। माँ माँ उठो ना माँ। माँ तुमने ही कहा था ना माँ चाहे जितनी भी मुसीबतें आए डांस कभी मत छोड़ना। मैंने बहुत मेहनत करके नए नए मूवमेंट सीख लिए हैं माँ। तुम्हें मेरा डांस देखना है ना माँ। माँ उठो ना माँ। माँ माँ याद है माँ बचपन में हम दोनों साथ में डांस करते थे ना। मैं डांस करूंगा तो तुम भी साथ में करोगी ना माँ। मैं डांस करता हूँ माँ तुम भी साथ में करना। हाँ करना। हाँ जब मैं डांस करता हूँ मेरी माँ भी साथ में करती है देखना। माँ उठती क्यों नहीं? माँ उठो ना। माँ बात नहीं कर रही। माँ बात करो। माँ ये मेरे बचपन का फोटो है। माँ बचपन में ये तुम्हें तोहफा देने के लिए खरीदा था माँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। हैप्पी बर्थडे माँ। हैप्पी बर्थडे। Ha ha ha.
राघव तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मेरी बहन ने बताया था, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुमसे मिलने चला आया था, लेकिन एक माँ के अधूरे सपनों को पूरा करने जा रहा हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। तुम मेरे साथ चलोगे? नमस्ते बेटा, इन बच्चों ने बहुत मुसीबतें झेली हैं, अब राघव की माँ भी नहीं रही, इनके माँ बाप भाई बहन सब तुम ही हो, इनका ख्याल रखना, भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। चलते हैं सर। अच्छा मैडम, ऑल द बेस्ट राघव। भैया ये वही लड़की है जिसका मैंने जिक्र किया था। आज तुम्हारी शादी है ना? आज हमारी शादी नहीं है, मैंने ही मना किया, हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई, जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक हमारी शादी भी नहीं होगी। चलता हूं। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मंजिलें तू अपनी हासिल करेगा जिस दिन, माँ जहाँ होगी वहाँ खुश होगी रू उसकी, जग में रह जाएंगी तेरी निशानियाँ, जाने बन जाएंगी तेरी कहानियाँ, मेहनत करके जो कुछ बन के बताएगा, सारा जमाना तेरे पीछे पीछे आएगा, तेरा पैसा ला है तब तक आस है, तू अपना मकसद कभी न भूलना।
भगवान का सहारा, मुश्किलें कुछ भी नहीं, हिम्मत का खेल सारा। सबके हाथों में है किस्मत की रेखा, तेरे पैरों में है कुदरत का लेखा, तू ना किसी से कम सबको बताएगा, एक दिन कमाल अपना करके दिखाएगा, तेरा है तेरा, यहाँ सब कुछ है तेरा। आ जा, जब तक सांस है तब तक आस है, तू अपना मकसद कभी ना भूलना। मुझे क्यों बुलाया गणेश? कंपटीशन के लिए दो ही दिन बाकी हैं। उसके लिए हमारी एंट्री फीस और दूसरे खर्चे सब मिला के कम से कम 5 लाख तक लगेंगे। मेरे लड़के नए होने की वजह से स्पॉन्सर्स भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, इसलिए सोच रहा हूँ घर को गिरवी रखता हूँ, अगर कोई है तो। कोई जरूरत नहीं, तुम चिंता मत करो, स्पॉन्सर्स यहीं पर है। तुम अपने लड़कों के साथ डिस्को में आओ और इनके टैलेंट का प्रदर्शन करो, बस बाकी का मैं देख लूंगा। तुम्हें ठोकर मारने वाले स्पॉन्सर्स फिर से तुम्हारे पास ही आएंगे, यही हमारी पहली जीत होगी। लिया, घबरा गए? इतने में डर गए? ये तो सैंपल है बेटा, पसीना छूट रहा है, पहुंच लो। और भी बहुत है, लड़कियों के साथ नाचना काफी नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, कंपटीशन जो आ रहा है। हे, ऑल द बेस्ट एंटनी, पहले इन्हें हराओ तो मानो। गणेश,
तुम्हारे बॉयज ने बहुत बढ़िया डांस किया है, कमाल कर दिया। तुम्हें एतराज ना हो तो हमारी कंपनी इन्हें स्पॉन्सर करेगी। कल सुबह ऑफिस आ जाओ तो बाकी की फॉर्मेलिटीज वहीं पूरी कर लेंगे। थैंक यू सर। कंग्रेट। थैंक यू। क्या हुआ, डल क्यों हो भाई? सचमुच वो गणेश किसी को लेकर आया है। जब वो डांस करता है तो लोग क्लैप पर क्लैप करते जा रहे हैं। और कोई भी हो मैं जीत सकता हूँ, लेकिन उस गणेश का कोई भरोसा नहीं। इस साल के कंपटीशन में तुम ही जीतोगे, मैं हूं ना। तुम जाओ, जाके प्रैक्टिस करो। वैसे तुम कह रहे थे ना किसी ने अच्छा डांस किया था, वो कहां से आया था? गोवा से। गोवा से? हेलो। गणेश और राघव का गांधी चौक में एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आओ। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ किरण? मास्टर जी और राघव का एक्सीडेंट हो गया। अरे तू क्या बोल रहा है? हाँ यार, वही फोन आया था। चल प्रिया को बता। हाँ नहीं, प्रिया सुनेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। हम लौट आएंगे तो उसे बता देंगे। चलो चल चल। प्रिया, प्रिया। हाँ भैया। कल के कंपटीशन में हमारी टीम की एंट्री हो गई प्रिया। ऑल द बेस्ट। ये लोग कहाँ हैं? पता नहीं, अभी तक तो यहीं बाहर होंगे। जाके देखो प्रिया, जल्दी करो। क्या है? कुछ नहीं। एक बार डांस करोगे? नहीं। फोन उठाओ। हेलो। हेलो। वहाँ? हाँ वहाँ। हेलो, कौन? राघव। हाँ मैं राघव बोल रहा हूँ। तेरे दोस्तों को हमने किडनैप कर लिया है। कौन बात कर रहा है? वो छोड़, धोबीगढ़ के पास वाले फैक्ट्री में आ जा, अकेले ही आना। गणेश को उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। पुलिस को खबर की तो तेरा एक भी दोस्त नहीं बचेगा, समझ गया? हेलो हेलो, कौन था राघव? वो शिवा था मास्टर जी, वो लोग मंदिर गए हैं, मुझे भी बुलाया है। जाओ। अच्छा। लेकिन जल्दी आना, प्रैक्टिस करनी है। जी क्विक। मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दो। मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगा, पहले तुम यहाँ से वापस गोवा चले जाओ। वापस चला? हे, कल हमारा डांस कंपटीशन है, हम क्यों वापस जाएंगे? तुम लोग चले जाओगे तो ही मेरा भाई एंटोनी जीत सकेगा। एंटोनी? उसे डांस करके जीतने को बोलना। वापस चले जाओ। सर, हमारे लिए डांस जान से भी बढ़कर है, हम क्यों जाएंगे? तुम लोग बातों से नहीं मानोगे, मेरे बारे में शायद तुम नहीं जानते। तुम्हारे मास्टर गणेश के एक्सीडेंट में दोनों पैर चले गए, तुम सब यही सोचते हो, है ना? लेकिन वो एक्सीडेंट करवाया था मैंने ही। जोश में मत आओ वरना तुम्हारे पैर भी चले जाएंगे। चुपचाप गोवा जाके छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहो, मान जाओ। ए, तुम सरासर नाइंसाफी कर रहे हो, चुपचाप मेरे दोस्तों को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो मारोगे। देखिए भाई साहब, मैं कोई झगड़ा करना नहीं चाहता, उनसे कहिए मेरे दोस्तों को छोड़ दे प्लीज भाई साहब। बोलिए ना मेरे दोस्तों को छोड़ दे भाई साहब, मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए प्लीज भाई साहब, प्लीज सर मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए, हमारे प्रोग्राम का टाइम हो रहा है सर, सर प्लीज सर, प्लीज सर। सर सर प्लीज सर। ओए सर, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता सर, सर मेरी बात मानिए। नहीं सर, नहीं सर, गोली मत मारिए सर, सर प्लीज सर। राघव भैया। सर तू क्या समझता है, मैं बार बार इन्हें भेजता रहूंगा और तू मारता रहेगा? ये तो पुराने स्टाइल है, नए स्टाइल क्या है जानता है? या म्यूजिक प्ले होगा और तू डांस करेगा। हे म्यूजिक ऑन करो। डांस तेरी जान है ना, एक बार डांस कर, मेरे लड़के एंजॉय करेंगे। सर ऐसा मत कीजिए सर। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। हे नहीं सर, सर गोली मत चलाना सर, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना सर, नहीं नहीं नहीं, मैं डांस करता हूँ सर, डांस करता हूँ मैं, डांस करता हूँ मैं सर, सर गोली मत चलाना, मैं डांस करता हूँ सर, डांस करता हूँ।
आंखों में चोटली साहब। बढ़िया कर रहा है, बिल्कुल बंदर की तरह। गोली चलाऊंगा, मार दूंगा, रुकना मत। नहीं नहीं, मैं डांस करता हूं। राघव, तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है तुम्हारा दोस्त। देखो, नाचो। राघव को छोड़ दीजिए साहब। सर, प्रोग्राम खत्म होने तक इन्हें यहीं बंद रखो, इन पर निगरानी रखना। यस, एक गाड़ी निकालो। कल सुबह शो है, प्रैक्टिस करना है। ये लोग आखिर कहाँ गए होंगे? मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं, अकेले मत जाना, मैं भी चलता हूँ। क्यों बेटी इस समय आ रही हो? मंदिर तो बंद हो चुका है। ठीक है सर, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी तक नहीं आए, अब आधा घंटा ही बचा है। भैया भैया, स्पॉन्सर्स फोन पे फोन कर रहे हैं, प्रोग्राम के लिए सिर्फ आधा घंटा ही बचा है और इन लोगों का कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या करें। मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। hey, ऑडिटोरियम तो नहीं गए ये लोग? हो सकता है। चलो चलो, कम ऑन फास्ट। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ बच्चों। इस साल के वेस्ट इंडियंस कॉम्पिटिशन में आप सबका स्वागत है। इस अनोखे प्रोग्राम का लुत्फ उठाने के लिए आप सब तैयार हैं? ओके, इस प्रोग्राम को आपके सामने पेश करने के लिए मशहूर फिल्म अभिनेता मिस्टर सुमन पधारे हैं। वेलकम टू मिस्टर सुमन। वेलकम सर। थैंक यू। कहीं ग्रीन रूम में तो नहीं? एक्सक्यूज मी अमित, मेरे लड़के अभी तक नहीं आए? नहीं सर। ओह माय गॉड, ये क्या गणेश, इतनी देर कर दी? दूसरे सब टीम वाले दो घंटे पहले ही आकर तैयार हो गए। जरा भी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें? मैंने कितने मुश्किल से स्पॉन्सर का इंतजाम किया था। दिल्ली से आए स्पॉन्सर्स वेट कर रहे हैं, सभी लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्या जवाब दूंगा उन्हें? बोलो, आखिर कहाँ है तुम्हारा ग्रुप? वो लोग यहाँ नहीं आए। मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारे साथ नहीं आए? रात को मंदिर जाना है कहकर चले गए, अभी तक नहीं आए समीर। व्हाट, मंदिर जाके नहीं आए? गणेश, ये क्या बोल रहे हो तुम? समीर, मुझे लगता है एंटनी का हाथ है इसमें। अब क्या किया जाए? एंटनी पर कंप्लेंट क्यों न दे? कंप्लेंट करने के लिए हमारे पास कोई सबूत है? उसके भाई शो देखने के लिए हॉल में बैठा है और वो डांस की तैयारी में लगा हुआ, हम करेंगे क्या? शो स्टार्ट हो गया, अब क्या करेंगे? हर शहर से इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने कई टीमें आई थी, उनमें से 10 टीम को सिलेक्ट किया गया है। समय की कमी की वजह से आज ये फर्स्ट राउंड, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स का मुकाबला होगा। अभी थोड़ी ही देर में प्रोग्राम के लिए अपने लड़के तैयार हैं? तैयार हो रहे सर। एवरीथिंग इज ओके, परफेक्टली ओके सर, नो प्रॉब्लम। पहली टीम का बुलावा आ गया है, हमारा 10वां नंबर है, आप लोग तैयार हो जाइए, हम बाद में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट समीर। द फर्स्ट ग्रुप इज रोबिन फ्रॉम शीला फ्रॉम बैंगलोर। यू डोंट अंडरस्टैंड, गणेश मैं जाके देख के आऊं। मैं मंदिर गया था, वो लोग वहां नहीं है। एंड द फिफ्थ ग्रुप इज मिस्टर रवि फ्रॉम गोवा। फिनिश्ड, इतने दिन की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। शी, द सेवंथ ग्रुप इज, सुना सातवीं टीम, अब क्या करेंगे? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है तुम्हारा ग्रुप?
वो लोग कल रात से लापता हैं। कल रात से वो लोग लापता हैं? अभी अभी तो कहा था कि वो सब तैयार हैं। क्या मजाक कर रहे हो? सर, हम पर भरोसा करके लाखों रुपए खर्च करने वालों को क्या जवाब दूंगा? रोहित, ये हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, वो यहाँ पे होना चाहिए बस। Mr. Anthony from Mumbai. सबको एक खास बात बतानी है। पिछले साल के इस कंपटीशन में गणेश की जीत हुई थी। इंटरनेशनल कंपटीशन में भी सिलेक्ट हुआ था, लेकिन बैड लक, एक एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों पैर खो दिए। फिर भी बिना हिम्मत हारे उसने इस साल के कंपटीशन के लिए अपने कुछ स्टूडेंट्स को तैयार करके यहाँ पर भेजा है। गणेश के अंदर जो हिम्मत है, लगन है, हैट्स ऑफ टू दैट। सो ऑल ऑफ अस गिव हिम अ बिग हैंड। सुन लिया बाहर तुम्हारी कितनी तारीफ हो रही है, और यहाँ तुम्हारे लड़कों का कोई आता पता नहीं। तुमको स्पॉन्सरशिप देके हम बेवकूफ बन गए हैं। कैसे आदमी को लाया है यार, फूलों का हार पहनूंगा सोचा, एक लंगड़े को हमारे गले बांध दिया। ये बड़ा मास्टर है और इसकी एक टीम है। अब तुम डांस को भूल जाओ, इस शक्ल के लिए सिर्फ डांस ही बाकी है। This is the final call for Ganesh team. अब अगर वो स्टेज पर नहीं आए तो कॉम्पिटिशन के रूल के मुताबिक डिस्क्वालीफाई करके क्वार्टर फाइनल राउंड शुरू कर दिया जाएगा। गणेश, वो एंटनी और उसका भाई गलत तरीका अपना रहे हैं। हम भी कांटे को कांटे से निकालेंगे। मैं एक शिवा को जानता हूँ जिसके साथ मास है, उससे बोले से हमारे लड़कों को 5 मिनट लगा के हमें सौंप देगा। रॉन्ग रूट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? समीर भैया, तुम कुछ भी करो, लेकिन हमारी टीम को कैसे भी लेके आओ। ठीक है। वो मेरे अपने हैं, छोड़ दे उन्हें। नहीं छोड़ा तो हाल खींच लूंगा। कौन है बे तू? This is the last call for Ganesh group. Ganesh team नहीं आई इसलिए उन्हें competition से निकाल दिया जाता है। गणेश, राघव आ गया। तुम उसे संभालो, मैं भी आता हूँ। राघव, राघव।
मास्टर जी, क्या हुआ? ये खून कैसा? वो एंटनी और उसके भाई ने मिलकर ये सब किया है मास्टर जी। आपका एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया था मास्टर जी। आप फिक्र मत कीजिए मास्टर जी, मैं डांस करूंगा मास्टर जी। नो, गणेश ग्रुप इज रेडी। वो लोग आ गए, चलिए सर। थैंक गॉड। गणेश ग्रुप के साथ जरूर कोई हादसा हुआ है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहुत बढ़िया डांस किया है भाई। अरे हट। हाँ बोलो। वो ग्रुप यहाँ नहीं आएगा बोला था, वो आ गए। क्या करने वाले हो? तुम फिक्र मत करो, उसे मारने के लिए मेरे आदमी पहुँचते ही होंगे। Now we are going on to the quarterfinals. Quarterfinals में पहुंचने वाली टीमें हैं Anthony Group, Silence, Robin Group, Ravi Group, and Ganesh Group. Yes. समीर बोलो। गणेश, एंटनी और उसके भाई का कुछ करना पड़ेगा। सर हम है ना, अब आप हमारी पहुंच देखिए। आपसे बदतमीजी से पेश आया, माफी चाहता हूँ। समीर कम ऑन। You were under arrest. इंस्पेक्टर, इसे अभी मत ले जाइए, फाइनल तक यहीं रखिए ताकि इसे पता चले कि टैलेंट क्या चीज है। क्वार्टर फाइनल्स में सभी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेमीफाइनल्स। वेलकम टू द जंगल।
सेमीफाइनल्स में सभी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फाइनल्स में पहुंचे हैं एंथनी ग्रुप एंड गणेश ग्रुप। ए राघव, देख लूंगा। आप सबके लिए गुड न्यूज, आज के फाइनल्स के विजेता को एक मशहूर हस्ती के हाथों प्राइज दिया जाएगा। वो कौन है ये फिलहाल सस्पेंस है, बाद में आप खुद ही देख लीजिएगा। मुख्य अतिथि बनकर आया हूं, मुक्केबाजी के लिए मजबूर करोगे तो फाड़ के रख दूंगा। तुम जाके अपना प्रोग्राम शुरू करो। हेलो प्रोग्राम शुरू करो। ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू सर। कैरी ऑन, आप लोग जाइए, मैं इन्हें संभालता हूं। थैंक यू सर। हर जीत का होगा फैसला, अपना पूरा जोर लगा के डांस। देख रहे हैं लोग ये सारे, हिम्मत है तो आजा प्यारे, ताकत है तो कर ले डांस। घबरा के ये स्टेज कभी तू छोड़ नहीं देना, वाह-वाह किसकी होती है ये तू भी देख लेना। थर 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 दी कांपे, डांस 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 डांस, धम 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 ढोलक बाजे, डांस 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 डांस, गड़ 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 ताली बाजे, डांस 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 डांस, सीटी पे सीटी बाजे, डांस डांस डांस। आजा आजा कर मुकाबला, हार जीत का होगा फैसला, अपना पूरा जोर लगा के डांस। देख रहे हैं लोग ये सारे, हिम्मत है तो आजा प्यारे, ताकत है तो कर ले डांस। पल पे ना होता डांस 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 डांस,
तेरी जागीर नहीं है डांस 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 शिव जी का तांडव है ये डांस 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 पूर्व जन्म में पुण्य किया तो डांस 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 आजा आजा कर मुकाबला हर जीत का होगा फैसला अपना पूरा जोर लगा के डांस क्या सोचा तू बहुत बड़ा डांसर है घमंड करने वाला कभी नहीं जीत पाया इतिहास गवाह है अरे एक्सीडेंट करवा के गणेश मास्टर के पैर कटवा दिए उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था तूने सोचा वो बिना पैरों के डांस नहीं कर सकते हाँ वो डांस करेंगे देखेगा इन पैरों पर वो डांस करेंगे तू भी देखना तुम दोनों की बोलती मैं बंद कर दूंगा देख लेना सामने डांस 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 खेल की तरह लेना इसको डांस 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 तुम है तो ताल बजा के डांस 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 चुक चुक के करो सलामी डांस एंड द फाइनल विनर इज गणेश ग्रो स्टॉप इट हटो मास्टर जी तुम्हारा सपना मैं पूरा करूंगा माँ प्रिया 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 देखा यही मेरा चेला भैया और अब प्राइज देने के लिए आ रहे हैं हमारे मेगा स्टार चिरंजीवी कमाल कर दिया तुमने थैंक यू सर कांग्रेचुलेशन थैंक यू सर ए, चुप चुप मास्टर जी वन मिनट मैं अपनी आने वाली फिल्म में तुम्हें डांस मास्टर का चांस देता हूं करोगे सर जी जब तक सांस है तब तक आस है तू अपना मकसद कभी न भूलना
तूफान आएंगे, आएगा जलजला, तू रुकना झुकना कभी ना सोचना। हस्ती हाँ चाहे दुनिया, परवाह कभी ना करना, हरदम आगे ही बढ़ना, ना कभी किसी से डरना, मंजिल तू पाकर ही दुनिया को दिखलाना। जब तक सांस है तब तक आस है, तू अपनी मंजिल कभी ना भूलना।